आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मोटर हो उसका रनिंग, कामन और स्टार्टिंग की पहचान किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फैन मोटर होते हैं, कंप्रेसर हमारे होते हैं, इन सब में रनिंग, कामन और स्टार्टिंग की तीन तारें होती हैं और उन्हें कैपेसिटर में लगाना होता है, न्यूट्रल फेज देना होता है। तो अगर आपको रनिंग, कामन, स्टार्टिंग की पहचान ही नहीं रहेगी तो आप कनेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है रनिंग, कामन, स्टार्टिंग को पहचानना, उसके बाद ही कनेक्शन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीन तारे हैं, एक कॉमन है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। तो किसी वजह से ये स्टिकर मिट गया, स्टिकर पे लगा होता है, स्टिकर जो यहाँ पे बना होता है डायग्राम में कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग, किसी वजह से स्टिकर हट चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर से चेक कर लेंगे कि कौन रनिंग है, कौन कॉमन, कौन स्टार्टिंग है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसको समझिए। देखिए कॉमन की पहचान क्या है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए जिन दो तारों पर, मतलब इस मीटर से ना इसको हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। कहाँ सेट कर लेंगे, जो साउंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये साउंड वाला जो ऑप्शन है इस पर सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान करेंगे। तो जिन कॉमन की पहचान क्या है कि जिन दो तारों पर मीटर का मान सबसे अधिक बताए, उन दो तारों को छोड़कर तीसरा वाला तार कॉमन हो जाएगा, मतलब बचा हुआ जो तीसरा तार रहेगा वो कॉमन हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है इस टाइम, किन दो पर मान सबसे अधिक बता रहा है। तो चलिए हम पहले इस पर रख लेते हैं और इस पर रखने के बाद दोनों को बारी बारी इसको चेक कर लेते हैं, फिर उस पर चेक कर लेंगे। ये बता रहा है 150 और इस पर चेक कर लेते हैं, ये बता रहा है 149, ठीक है। अब इस पर रख के इन दोनों को चेक कर लिए, तो अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। इस पर देखिए भाग गया, भागने का रीज़न क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जो है ये 200 ओम से ज़्यादा है और ये जो रेंज है ये 200 का है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलो ओम पे कर लेंगे तो ये एग्जैक्ट बता देगा। ये चीज़ ध्यान रहे, कभी कोई मोटर अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है तो एक बार इसको किलो ओम पे भी कर लिया करिए, तब चेक कर लिया करिए। अगर नहीं करेंगे वो मोटर सही भी रहेगा तब भी आपको लगेगा ख़राब है, क्योंकि वो उस टाइम में नहीं बताएगा जब इसका 200 से ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस रहेगा और आप 200 पे ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे और चेक करेंगे। देखिए ये बता रहा है 0.3, मतलब 330। यहाँ पे कितना बता रहा है, 330, 0.32, मतलब 330। तो सबसे ज़्यादा जो मान बताया है ना इस पे बताया है, इन दो तारों पर, रेड और येलो पर, ये 330 बता रहा है। इसका मतलब है कि ये रनिंग और स्टार्टिंग है और बचा हुआ तीसरा तार कॉमन। तो ये बचा हुआ तीसरा कॉमन हो गया और ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग है, लेकिन ये नहीं पता है इसमें रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो हम क्या करेंगे, एक तार कॉमन पर अब फिक्स कर लेंगे, कॉमन मिल चुका है, और इन दोनों तारों को बारी बारी चेक करेंगे। तो अब इसका तो मान कम ही था ना, तो कम था तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते, इस पर आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस पे ज़्यादा बताएगा कॉमन पर रखने के बाद वो स्टार्टिंग हो जाएगा और जिस पे कम बताएगा वो रनिंग हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये बता रहा है 159, इस पे देखते हैं ये 160, ये 58, 158, मतलब एक का डिफरेंट। फिर से चेक करते हैं, 159 और ये कितना बता रहा है, 158। तो जो कम बता रहा है 158 ये रनिंग हो गया, जो ज़्यादा बता रहा है मतलब 159 ये स्टार्टिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान करते हैं, एकदम इजी तरीका है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जिन दो कॉमन की पहचान ये है कि जिन दो तारों पर मल्टीमीटर का मान या क्रैममीटर का मान अंक में सबसे अधिक बताए, उन दो तारों को छोड़कर तीसरा वाला तार कॉमन होगा, ठीक है। कॉमन मिल गया तो कॉमन पे रखने के बाद रनिंग स्टार्टिंग चेक करेंगे। तो उसके बाद जिस पे मान ज़्यादा बताएगा वो स्टार्टिंग हो जाएगा और जिस पे मान कम बताएगा वो रनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जब चेक करेंगे तो आप सारे के सारे मोटर और कंप्रेसर वगैरह के मान मतलब निकाल लेंगे, कौन रनिंग, कौन कौन स्टार्टिंग, कौन कॉमन है। और इसको चलाना रहेगा तो क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग को कैपेसिटर में जोड़ दिया जाएगा और कॉमन वाले पे न्यूट्रल या फेस को ही दे दिया जाएगा, और एक न्यूट्रल या फेस जो बचा रहेगा उसको हम रनिंग वाले पे दे देंगे। तो ये मोटर और ये कंप्रेसर वगैरह सब सही तरीके से चलने लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान करते हैं।